हमारे बैकग्राउंड में जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का एक कॉल है डेरा डालो का। और ये कॉल जिन दो सवालों पर दिया गया है, छात्रों के हॉस्टल का सवाल और वर्कर्स राइट का सवाल, आज मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन की, इस धरने की जो महत्वपूर्ण बात है जिसे अंडरलाइन करना चाहिए, वो है कि इस प्रदर्शन में छात्र और मजदूर एक साथ अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और उस वक्त में जब आप आम तौर से देखते हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस देश के भीतर, जहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान से एक ख़ास दूरी में बात कर रहा है, उस वक्त में जेएनयू कैंपस के भीतर एक मॉडल हम लोग अपने आप को दे रहे हैं, इस देश को दे रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी का जो कंपोजिशन है वो सिर्फ छात्र नहीं, वो सिर्फ टीचर्स नहीं, वो सिर्फ वाइस चांसलर, रेक्टर, प्रॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पौधों पर बैठे हुए लोग नहीं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी एक बड़ा हिस्सा है जिसे बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इनविजिबल करार कर दिया जाता है, वो हिस्सा जो आपके मेस में काम करता है, वो हिस्सा जो इन तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाता है, वो हिस्सा जो इस सड़क को जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो साफ़ करता है, और इन लोगों की भी कुछ कुछ मिनिमम ज़रूरतें हैं। अब सवाल ये है कि वो ज़रूरतें पूरी होती हैं नहीं होती, और जब हम ये बात कर रहे हैं तब उनके लिए कोई बहुत बड़ा फेवर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहते हैं, बहुत छोटी सी बात पूछना चाहते हैं, हम इतना मालूम करना चाहते हैं कि जो मिनिमम उनका राइट्स है, जो उनका मिनिमम वेजेस है, जो उनका प्रोविडेंट फंड का मसला है, जो उनके एएसआई कार्ड का मसला है, जो उनके ओवर टाइम का मसला है, जो उनके बोनस का मसला है, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, बस इतना साधारण सा प्रश्न हमारा है। और जब से इस यूनियन में आईसा चारों पदों पर चुनकर आया है इस साल, हम लोगों ने शुरुआत किया, दो कैंप लगाए, इस कैंपस के तमाम मजदूरों का प्रोविडेंट फंड हमने जांचा, और जांचने के बाद देखने में आता है कि इस कैंपस का एक भी मजदूर, इज़ नॉट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन कि किसी मजदूर का प्रोविडेंट फंड कायदे से सुचारू रूप से चल रहा। ऐसे वक्त में हमने प्रशासन को बार बार याद दिलाया कि ये एकदम आप कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसमें आपको ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन लगातार धरने प्रदर्शनों के बाद हमें कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। आज जेएनयू कैसे इस जगह पर खड़ा है जहाँ पे हॉस्टल एक बड़ा मसला है, तकरीबन 2200 नए छात्र आने वाले हैं, 400 स्टूडेंट का बैकलॉग है, 2600 छात्र को कहाँ से हम जगह देंगे, ये सवाल कैंपस के सामने प्रमुखता से मौजूद है। उस वक्त में हमें लगता है कि जहाँ प्रशासन को तेज़ी के साथ में नए हॉस्टल बनाने चाहिए, वही अल्टरनेटिव अकोमोडेशन पर बात करना चाहिए और एक विलिंगनेस शो करना चाहिए कि वो जितने भी छात्र हैं, जब जेएनयू अपने आप को एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी क्लेम कर रहा है, तो उनको रहने के लिए जगह मिले। और जब इन दोनों सवालों पर हम यहाँ प्रदर्शन पर हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 7 रोज़ हो गए हैं, उस वक्त में जो बात हमें ताकत देती है, जो बात हमें हिम्मत देती है, आगे बढ़ने का साहस देती है, वो ये है कि जेएनयू कैंपस के अंदर ख़ास तरीके का जो एक जज्बा है छात्रों के बीच में, टीचर्स के बीच में, कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, एक ऐसे वक्त में जब सिर्फ ये कहने की बात नहीं है कि कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है, ये सच्चाई है कि जिसके पिताजी की जेब में जितना पैसा है वो उतनी बेहतर शिक्षा प्राप्त करेगा, ये सच्चाई है कि शायद अगर जेएनयू जैसे कैंपस यहाँ पर नहीं बना होता, मेरे से पहले जितने भी तमाम लोग इन जगहों पर जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने हमारी स्कॉलरशिप्स के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारी कम फीस के लिए अगर आंदोलन नहीं किए होते, तो शायद इस जगह पर मैं आज नहीं खड़ा होता, शायद मेरे जैसे हज़ारों छात्र यहाँ पर नहीं मौजूद होते। आज जब हम लोग इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जब हम इस बात को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि चंदू एक समय बोलते थे फ्यूचर जनरेशन विल आस्क अस, तो वो किस फ्यूचर जनरेशन की बात करते थे, वो शायद हमारी ही बात किया करते थे, और जब वो हमसे सवाल को पूछते थे, जब वो हमारे लिए उस वक्त में लड़ते थे 93 में जब इस कैंपस को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई थी, 90 के दशक में मनमोहन सिंह सरकार जब प्राइवेटाइजेशन इस देश के भीतर लेकर आती है, उस वक्त में वो सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक मॉडल बनाया जाए जो पूरे देश के सामने एक मॉडल की तरह उभरे, और वो मॉडल उनको सबसे नज़दीक में जेएनयू समझ में आता है, एक छोटी सी यूनिवर्सिटी जिसे प्राइवेटाइज करना चाहिए। और ये जब मसौदा कैंपस के भीतर पहुंचता है, तो जैसा हमने सुना है तमाम लोगों से कि उस समय के जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आईसा से कॉमरेड चंदू, कॉमरेड चंद्रशेखर पूरे के पूरे इसी एड ब्लॉक को जो हमारे पीछे है उसको घेर लेते हैं, और 24 घंटे तक छात्र वहाँ पर बैठे रहते हैं इस बातचीत के साथ में, इस आर्ग्यूमेंट के साथ में, इस दलील के साथ में कि जब तक इस प्राइवेटाइजेशन के मसौदे को वापस नहीं किया जाएगा हम लोग वापस नहीं जाएंगे। और वो दिन है और आज का दिन है कि जो फीस मात्र 200-250 रुपये हुआ करती थी, 163 रुपीज़ बीएमए के छात्रों के लिए, वो आज भी उतनी ही है, और शायद वो उसी लड़ाई के नतीजे में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। उस वक्त में हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि कल अगर कोई हमारे लिए लड़ा था
तो आज ये जिम्मेदारी हमारी है कि आने वाले लोगों के लिए लड़ें। आज ये सोच के अच्छा लगता है कि कुछ लोगों ने इस कैंपस के अंदर डिप्रेशन पॉइंट की लड़ाई लड़ी थी। डिप्रेशन पॉइंट के समाज के भीतर हम देखते हैं कि जब JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए दो अलग अलग छात्र बैठते हैं, एक स्टूडेंट जो शायद सेंट स्टीफन्स में दिल्ली में पढ़ा हो, एक छात्र जो उड़ीसा में कालाहांडी से पढ़कर आ रहा हो, और ये दोनों एक ही क्वेश्चन के सामने जब बैठते हैं कि क्वेश्चन पेपर को जब डील करते हैं, उस वक्त में शायद मुझे लगता है कि गैर बराबरी की लड़ाई, उस वक्त JNU के छात्रों ने इस दलील को रखा, इस बात को लड़ा कि JNU कैंपस के भीतर डिप्रेशन पॉइंट होना चाहिए। सोच के अच्छा लगता है कि ऐसा कैंपस का मॉडल अपने देश को देते। जब हम देखते हैं कि जब कैंपस को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की गई तो चंदू ने एक लड़ाई लड़ी। जब हम ये देखते हैं कि पहले कैसा कैंपस है जहां OBC रिजर्वेशन पूरी तरीके से फुलफिल होता है, आइसोलेट JNUSU मजबूती के साथ में इस मुहिम को न सिर्फ लड़ता है बल्कि उसके अंतिम मुकाम तक लेकर जाता है। ये सोच के अच्छा लगता है कि जब इस कैंपस के भीतर मनमोहन सिंह आते हैं, देश के प्रधानमंत्री जब वो बन गए थे और ऑक्सफोर्ड जाके एक स्पीच देकर आते, उस ऑक्सफोर्ड के स्पीच में बोलते हैं कि अंग्रेज़ इस देश के भीतर आए तो ये बहुत बड़ी बात थी, हम उनके शुक्रगुजार हैं, अगर वो नहीं आते तो शायद इस देश के अंदर रेल नहीं होती, शायद हम अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती। हम ये बात सिर्फ मनमोहन सिंह से पूछना चाहते थे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंग्रेज़ हमारे क्यों भलाई करने के लिए आए थे। वो आए थे अपने खास मकसद के से, वो आए थे देश को लूटने के लिए। ज़रूर उस पूरी कोशिश में कुछ लोगों ने अंग्रेज़ी सीखी और उस भाषा में उनको सवाल करना शुरू किया, ज़रूर उस पूरी मुहिम में कुछ लोगों ने उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाया, लेकिन ये उनकी कोई बेनेवोलेंसी नहीं थी, ऐसा वो चाहते नहीं। तो उस वक्त में अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बात कह रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भीतर, तो उस वक्त में अगर वो इस कैंपस के भीतर आएंगे तो हम ये सवाल रखेंगे उनसे, हम अपने नेताओं से जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। उस वक्त में अगर एक यूनिवर्सिटी का मॉडल हम देते हैं जहां पर मनमोहन सिंह से हम सवाल करना चाहते हैं, अगर सवाल करने की जगह नहीं मिलेगी तो हम अपने हाथ में बैनर्स लेके खड़े रहेंगे जिसमें सवाल लिखा रहेगा। मुझे लगता है ये सवाल का जवाब, ये सवाल के छात्र ये सवाल कर रहे हैं, इसकी खबर उनके कानों तक ज़रूर जाती होगी। जब इसी कैंपस के भीतर अभी मेरे ही टेन्योर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आते हैं, तब भी हमने उनसे सवाल किया। तो आज ये बात स्पष्ट है कि JNU कैंपस के भीतर कोई भी बड़ा नेता, कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर आता है तो उसको कुछ सवाल जवाब का तो सामना करना पड़ेगा, और हमें लगता है कि ये एक सही तरीका है। किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप हमारे प्रतिनिधि हैं तो कम से कम देश का जो युवा है, देश का जो छात्र है, जो पढ़ लिख रहा है, वो आपसे गुफ्तगू में जाए और इस स्पेस को आप रिक्लेम करना, इस स्पेस को बनाए रखने की जो पूरी कवायद यहाँ के छात्र करते हैं, मुझे लगता है कि वो इस देश को एक यूनिवर्सिटी का मॉडल देता है। आज जब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोशिश किया गया नेस्ले का एक आउटलेट लाने की और तमाम छात्र इस कैंपस के मजबूती से खड़ा हो जाते हैं, उस वक्त में मोना दास JNU कैंपस की छात्र संघ की अध्यक्ष थी, उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन लड़ा जाता है, ये कहते हुए कि जो डिस्कोर्स तकरीबन देश आज के वक्त में कर रहा है कि FDI एंड रिटेल हम नहीं चाहते, उस वक्त में JNU कैंपस के भीतर ये डिबेट चल रहा था। आज जब यहाँ पे नेस्ले चला जाता है और एक ढाबा उसकी जगह खुलता है जो एक प्रोग्रेसिव शॉप अलॉटमेंट पॉलिसी पे बेस है, जिसमें हम कहते हैं कि शॉप यहाँ किसको मिलने चाहिए, दुकान यहाँ किसको मिलने चाहिए, दुकान उन लोगों को ना मिले जो बिडिंग से आ रहे हैं, जिनके लिए टेंडर निकल रहे हैं, दुकानें उन लोगों को मिलने चाहिए जो जो गरीब हैं, जो जो वाकई में किसी एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत है, जो लोग सिख दंगों में मारे गए थे उनके परिवार वालों को मिलने चाहिए, जो लोग जो विधवा हैं उनको मिलने चाहिए, जो PHVH है उनको मिलने चाहिए। इस समझदारी के साथ में एक प्रोग्रेसिव शॉप अलॉटमेंट पॉलिसी अगर JNU के छात्रों ने दी है तो वो एक मॉडल है जो हम अपने देश को यूनिवर्सिटी का देना चाहते हैं। इस पूरी कवायद में आज के वक्त में सवाल यही है कि जब देश के अंदर शिक्षा बिक रही, जब एक गरीब छात्र के लिए पढ़ना लिखना मुश्किल हो गया, ऐसे वक्त में JNU के छात्र पूरी मजबूती से, पूरी पुख्तगी से खड़े हुए हैं पिछले काफ़ी वर्षों से और निरंतर आज भी, ये कहते हुए कि शिक्षा बिकाऊ नहीं है, शिक्षा हमारा अधिकार है और हम लोग उसे लड़के लेंगे ज़रूरत पड़ने पर। अगर उस वक्त में मुझे लगता है कि लड़ाई लड़नी इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें। आज अगर हम लोग प्रिविलेज हैं JNU कैंपस के भीतर पढ़ रहे हैं, आज अगर हमें इतने कम दाम में, इतने कम फीस में जब हमें स्कॉलरशिप्स मिलता है, जब हमें इतनी कम फीस में पढ़ाई लिखाई मिलती है, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो ये क्यों मिल रहा है? इस देश की बड़ा हिस्सा, इस देश का बहुत बड़ा मेहनतकश, इस देश के किसान, इस देश के कारखाने में काम करने वाले लोग, हमारे माता पिता, वो तमाम लोग जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली टैक्स पे करते हैं, जिस टैक्स से ये सरकार चलती है, जिस पैसे से यूनिवर्सिटी को सब्सिडी मिलती है, हमारा जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति, हमारा जिम्मेदारी है समाज के प्रति, और इसी जिम्मेदारी के तहत आज हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली तमाम जनरेशन्स इस
पूरी मुहिम में अपनी ताकत लगाएंगे। आज जो एग्जांपल्स हम लोग अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं, हमसे पहले जिन लोगों ने इस पूरी मशाल को जलाए रखा, हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उम्मीद के साथ में कि जब आज पूरे देश के भीतर एक ऐसी स्थिति है कि शायद क्या बचेगा क्या रहेगा कहना मुश्किल है, उस वक्त में जेएनयू छात्र कम्युनिटी एक मजबूत आवाज़ के साथ में, एक उम्मीद के साथ में, एक आशा के साथ में खड़ी है। एक अलग तरीके का कैंपस, जिसे कई बार लोग ये कह के खारिज कर देते कि एक आइलैंड है, मुझे लगता है कि एक आइलैंड नहीं है, बल्कि यहाँ से जाने वाले तमाम लोग अपने आप को जोड़ते हैं, ऑर्गेनिकली लिंक करते हैं देश की उन तमाम चीज़ों से। और तभी ये बात आप देख पाते हैं कि जेएनयू कैंपस के छात्र अपने सिर्फ कैंपस के भीतर सीमित नहीं, वो कैंपस के बाहर होने वाले तमाम आंदोलनों में, तमाम मुहिम में, तमाम लड़ाइयों में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में इरोम शर्मिला के लिए साथ में अपनी आवाज़ को जोड़ने की बात हो, चाहे कश्मीर के नौजवानों के साथ में अपनी आवाज़ को उठाने की बात हो, चाहे कोडनकुलम में, पॉस्को में छात्र वहाँ जाते हैं अपनी आवाज़ को उठाते हैं, तो ये जो कोशिश है कैंपस को बाहर के तमाम स्ट्रगल से जोड़ने की, ये उसी समझदारी के अगेंस्ट में खड़ा है कि जेएनयू कैंपस को आइलैंड है। और इस उम्मीद के साथ में, इस सपने के साथ में कि हम लोग एक बेहतर समाज चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहें जहाँ पे कम से कम किसी को इलाज के लिए बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, एक ऐसी दुनिया में रहें जहाँ कम से कम हर इंसान के ऊपर एक छत हो और कम से कम उसे एक ठीक ठाक न्यूट्रिशियस फूड मिलता, एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पर लोग इत्मीनान से घंटों घंटों कॉफ़ी पर एक इंटेलेक्चुअल डिबेट कर सकें, उन्हें इस बात की चिंता ना हो, बेरोज़गारी की चिंता नौजवानों को ना हो, एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि जब हम पाकिस्तान या बांग्लादेश जाना चाहें तो हमें किसी वीज़ा की परवाह ना हो, एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पर लोग बाहर निकल सकें, प्रेम कर सकें, अपने 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 जो भीतर जितने भी गुस्सा है, अपने भीतर जो उनके कंसर्न है, अपने भीतर जो नए नए क्रिएटिव ख्याल उनके मन के भीतर आते हैं, उसको एक्सप्रेस करने की हज़ारों चीज़ें मौजूद हों, एकदम उसी समाज की कल्पना करते हैं जिस समाज की कल्पना शायद कार्ल मार्क्स ने की थी कि हम सुबह को मछली पकड़े, रात को हम पोल्ट्री कर सकें, एक ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं। और उम्मीद है उस सपने के साथ में, उस सपने को आगे बढ़ते हुए, उस सपने को आगे ले जाते हुए जेएनयू छात्र कम्युनिटी मजबूती से खड़ा है और एक यूनिवर्सिटी का नया मॉडल इस देश को देने का प्रयास कर रहा है। और मुझे लगता है एक हद तक हम इसमें कामयाब भी हैं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद।